कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सीकरवार जी कहते हैं कि उनकी छवि बहुत अच्छी है, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस की उम्मीदवारी? मैडम देखा जाए जैसे और भी है यहाँ पे, अगर बात करी जाए विकास की भी, ग्वालियर है, ग्वालियर वो महापौर है, उनके घर से ही उनने विकास किया है। या मुरैना की बात करी जाए, अभी जे इनको मौका दे रहे हैं, बीजेपी के चार चार मंत्री रहे थे, उसके बाद भी हृदय स्थल आप कैमरा घुमाइए, हृदय स्थल की स्थिति क्या है, तो यहाँ का पूरा इनने विकास के नाम पर नगर निगम, आप देखिए नगर निगम की जो व्यवस्था होती है, ना कोई रिंग रोड है ना कुछ है, आप देखिए रोड की स्थिति हर जगह मतलब करप्शन ही है। ये तो कहीं ना कहीं मौका, अब हम चाहते हैं कि बदले, नए आदमी को मौका मिले, मतलब बदलाव यहाँ के लोगों के मूड में है कि बदलाव होना चाहिए। आप बताइए किन मुद्दों पर यहाँ पे मतदान होगा? समस्या सबसे बड़े लोकतंत्र में ये है कि ये चुनाव को, इस बार चुनाव को धर्म और जाति से जोड़ दिया, जबकि मतदान हमेशा धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए। अब आपकी मीडिया के द्वारा आप ही बोल रहे हैं कि दो क्षत्रिय समाज के दो कैंडिडेट हैं, एक वैश्य समाज से, ठीक है कोई ना कोई होगा, किसी ना किसी समाज से तो होगा, लेकिन केवल क्या क्षत्रिय समाज और वैश्य समाज ही है जिले में, पिछड़ा वर्ग भी है। तो इस देश का दुर्भाग्य है कि मतदान को हमने हमेशा जाति और धर्म के आधार पर ही जोड़ के मतदान किया, और ये खासतौर से चंबल संभाग के मुख्यालय मुरैना का ये दुर्भाग्य है। यहाँ राजनीति या मतदान हमेशा जाति के नाम पर ही हुआ है, इसलिए पिछड़ा हुआ है। तो इस बार क्या जाति से उठकर वोट करने वाले? ये माननीय मंत्री जी है, नरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री रहे, अच्छे मंत्री रहे, विकास भी उन्होंने अच्छा किया होगा, लेकिन जनता ने बीजेपी को 20 साल मौका दिया प्रदेश में सरकार चलाने का, और इस 20 साल में करीबन 8 से 10 साल नगर निगम मुरैना को नगर निगम बने हुए हो गए। अब बात की जाए पर लोकल बॉडी के उपाधार पर, तो लोकल बॉडी में नगर निगम शून्य है, आज भी शून्य, जो नगर निगम का दर्जा मिल गया, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो कहीं से कहीं तक नहीं है, जबकि 20 साल सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की। इस बार मतदान में ये देखने को मिल रहा है, हालांकि शहर में अपन बता सकते, ग्रामीण का अपन को आइडिया नहीं है, जनता बदलाव चाह रही है। अब बदलाव में तीनों प्रत्याशी हैं, जबरदस्त प्रत्याशी हैं, जनता किसको चूज करेगी, ये मतदान है, गोपनीय होता है हमेशा, लेकिन जनता का दिख रहा है मूड, इस बार बदलाव चाह रही है। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि हम जाति को बहुत ज्यादा तरजीह देने लगते हैं चुनाव में, जातीय समीकरण की बात करते हैं, लेकिन अगर विकास चाहिए तो इससे ऊपर उठकर वोटर्स को वोट करना होगा। और अमर उजाला भी आपसे हमेशा यही अपील करता है कि इन बातों से, जाति धर्म से उठकर वोट कीजिए, अपने जो जगह है आपकी उसके विकास के लिए सोच के वोट कीजिए। आप बताइए युवा है, आपके दिल में क्या है, क्या चल रहा है, किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? कहाँ युवा रहने दिया है बीजेपी ने, युवाओं को भी बुढ़ापों में भर्ती कर दिया है, ना तो कहीं रोजगार है ना कोई व्यापार है, GST इतनी लगा रखी है कामों पर कि कोई काम ही नहीं कर पाता है, शिक्षा के नाम पे 0 है मुरैना। यहाँ पर अग्निवीर के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होती है, ये जो पूरा क्षेत्र है सेना के लिए बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, एक से एक जवान यहाँ से निकलते हैं, तो अग्निवीर को लेकर भी नाराजगी है क्या लोगों को? क्यों नहीं है नाराजगी, चंबल क्षेत्र हमेशा शहीदों के लिए जाना जाता है, यहाँ से सबसे ज्यादा आर्मी में लोग जाते हैं। जब किसी का बेटा शहीद हो जाएगा या देश की सेवा के लिए जाएगा, उसके बाद में उसे कुछ ना मिलेगा तो क्या करेगा, युवा लौटने के बाद में क्या करेगा? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।